हेलो एंड नमस्कार टू ऑल, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ाकू कीड़े। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ, और आज की कहानी का टॉपिक वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, जिसके बारे में मैं हमेशा से बात करना चाह रही थी, एंड दैट इज रिगार्डिंग आवर करंट एजुकेशनल सिस्टम, हमारी शिक्षा प्रणाली जो जोर देती है बच्चे की होलिस्टिक, सो कॉल्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट पर, जो करिकुलम में इंक्लूड करती है तमाम सब्जेक्ट्स, को स्कॉलिस्टिक, स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज, एवरीथिंग विच एनीवन कैन इमेजिन। लेकिन इज इट रियली फुलफिलिंग? आइए जानते हैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। तो स्टोरी का सीन कुछ इस प्रकार से है, एक जंगल है जहाँ पे बात करी जा रही है कि एक नया स्कूल खोला जाएगा। वेल, इसके होने वाले स्टूडेंट्स, एक बर्ड, एक हमारा बोलें स्क्वर्ल, गिलहरी जिसे बोलते हैं गिलहरी, और एक कबूतर, एक खरगोश और तमाम दूसरे सभी एनिमल्स वहाँ आ गए। इसी दौरान एक फिश भी वहाँ आ गई। अब इन्होंने बोल दिया कि ठीक है, हम इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं। अब एक बोर्ड यानी एक कमेटी का गठन हुआ जिसने स्कूल के करिकुलम को होलिस्टिक ऑलराउंड डेवलपमेंट वाला बनाने के लिए तमाम सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर दिया, जिसके अंदर स्विमिंग, ट्री क्लाइंबिंग, फ्लाइंग और तमाम चीज़ें इंक्लूड कर दी। अब बारी आई बर्ड की। बर्ड जो उड़ने में बहुत अच्छा था, बिल्कुल सक्षम, उड़ने में तो उसको हमेशा ए ग्रेड आता था, नंबर वन। लेकिन जब बात आई कि उसे अपना घर खोदना है, तो उसने इस जद्दोजहद में कि उसे घर खोदना सीखना ही होगा, उसने अपने पंख और अपनी चोंच दोनों को घायल कर लिया। और पंख और चोंच घायल होने के कारण वो जिस फील्ड में बेहतरीन परफॉर्म कर रहा था, ए ग्रेड ले रहा था फ्लाइंग के फील्ड में, अब उसमें भी उसको सी ग्रेड आने लगा। ठीक है, ये हुई इस बर्ड की बात। अब बात करते हैं हमारे खरगोश की। खरगोश जो अपना घर बहुत अच्छे से बना लेता है, यानी बिल बहुत अच्छा खोद लेता है, उसने पेड़ पर चढ़ना सीखना शुरू किया। और पेड़ पर चढ़ने को लेकर एक दिन वो इस तरीके से गिरा नीचे कि उसके सर पर चोट आई, और सर पे चोट आने के कारण अब वो अपना घर भी अच्छे से नहीं खोद पाता, जिससे उस सब्जेक्ट में भी उसको सी ग्रेड आने लगा। बात करते हैं मछली की। मछली अगर पानी से बाहर निकलेगी तो मर जाएगी। अब या तो उसे अपना जीवन बचाना है या अपने बाकी सब्जेक्ट्स के ग्रेड्स। तो उसने तो बोल दिया, आई एम गुड एट स्विमिंग, स्विमिंग में मैं अपना एक ग्रेड लूंगी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में उसको एफ ग्रेड्स आते रहे। इसी तरीके से बाकी सारे स्टूडेंट्स जो अपने फील्ड में ए ग्रेड लेते थे, अब उसमें भी डाउन होने लगे, और बाकी फील्ड्स में इम्प्रूवमेंट तो दूर, डिसइम्प्रूवमेंट ही डिसइम्प्रूवमेंट बार बार दिखाई दे रहा था। पूरा साल बीत गया और बच्चों का आकलन किया गया, इवेल्युएशन का टाइम आया कि कैसा करिकुलम बना था। बोर्ड वॉज वेरी हैप्पी कि उन्होंने करिकुलम ऐसा बनाया था जिसके अंदर उन्होंने स्विमिंग से लेकर, ट्री क्लाइंबिंग से लेकर, फ्लाइंग से लेकर हर एक एरिया, हर एक आस्पेक्ट को डेवलप कराने का जिम्मा लिया था। बट वॉज इट रियली सक्सेसफुल? डिड इट रियली अचीव इट्स एम? नो, डेफिनेटली नो। इससे क्या हुआ, उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, उनका मोरल और डाउन हो गया। स्पेशली पेरेंट्स, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू नाउ। जरूरी नहीं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आपको जितना अच्छा बाहर से दिखता है वो उतना ही अच्छा हो। गो एंड टॉक टू योर चाइल्ड कि उसे किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, किस तरीके की प्रॉब्लम है, या फिर उसका इंटरेस्ट क्या है। द मेन थिंग इज बच्चा किस में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इफ योर चाइल्ड इज गुड एट पेंटिंग, लेट हिम डू द पेंटिंग। इफ योर चाइल्ड इज गुड एट डांसिंग, लेट हिम अलाउ टू डांस। इफ योर चाइल्ड इज गुड एट अदर आर्टिस्टिक थिंग्स, Give him or her a chance to do that. और फिर देखना, he or she would come out with flying colors. जरूरी नहीं कि हम सबको हर एक चीज आती हो, हर एक चीज में हम बेहतरीन हो, लेकिन हाँ, this is definite, हम में से हर एक इंसान कुछ ना कुछ
इतना बेहतरीन ज़रूर परफॉर्म कर पाता है कि उसमें हम अव्वल आते हैं। हम में से हर एक इंसान में एक पोटेंशियल है कि वी आर बेस्ट एट समथिंग, और बस ज़रूरत है तो उस समथिंग को खोजने की। एजुकेशन सिस्टम अगर बनाना ही है या अगर इसी तरीके से चलाना ही है तो उसके अंदर एक अमेंडमेंट और चाहिए, एंड दैट इज़ जो बच्चे को ये करना सिखाए कि जिंदगी कैसे जीते हैं, हाउ टू लिव लाइफ, जो बच्चे के ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड वेल इस्टेब्लिश्ड पोटेंशियल को निखार के लाए, ना कि बच्चे को ऐसा बना दे कि उसे समझ ही ना आए कि उसका पोटेंशियल एक्चुअली में है क्या। दिस इज ऑल गोइंग ऑन इन आवर कंट्री राइट नाउ, बच्चों की एजुकेशन को लेके। दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, ये कोई स्टोरी नहीं थी, ये जो आज आसपास आपके और मेरे साथ सबके साथ हो रहा है, आपके बच्चों के साथ हो रहा है, दिस इज द ट्रूथ फॉर दैट, एंड यू एंड आई कैन टेक स्टेप्स एट आवर लेवल। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, गो एंड टॉक टू योर चाइल्ड, गो एंड टॉक टू योर चाइल्ड। थैंक यू।